कैसा होता है जब एक इंसान अपनी लाइफ में ड्रग्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसकी लाइफ कैसे कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हमारी आज की स्टोरी है ऑस्टिन हरफ नाम के एक लड़के के बारे में जिसकी लाइफ सिर्फ 19 साल की एज में कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 15, 2016 को, जब एक आदमी जिसका नाम जेफरी माइकल फिशर था पुलिस को कॉल करके ये बताता है कि कैसे उसे उसके पड़ोस से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है। और जब वो उस घर में जाके चेक करता है तो घर के ओनर थे मिशेल मिशॉन और जॉन जोसेफ स्टीवन। वो जैसे ही उस घर में जाता है उसे मिशेल जमीन पर लेटी हुई मिलती हैं और उनका खून पूरे कमरे में फैला होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि मिशेल के बगल में एक लड़का खड़ा था चाकू लेके, जो कि फिशर पर चिल्ला रहा था कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। और जब वो वहां से नहीं जाते हैं तो फिशर पर वो लड़का अटैक कर देता है चाकू से और उन्हें कई बार स्टैब कर देता है। उस लड़के को ये पता नहीं होता है कि फिशर ना सिर्फ बच गए हैं, वो अपने घर जाते हैं और 911 को कॉल करके पुलिस को ये सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जब पुलिस आती है तो वो लड़का कोई और नहीं ऑस्टिन होता है, जिसे सेकेंड डिग्री मर्डर के लिए चार्ज कर लिया जाता है, जो उसने मिशेल और उनके हस्बैंड स्टीवन के साथ किया था। ऑस्टिन को देख करके ये कोई भी नहीं बता सकता था कि ऑस्टिन आगे चल के कुछ ऐसा करने वाला है। कई सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था और जब ऑस्टिन ने प्री मेडिकल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया जिसे फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही थी, तो सबको लगता था कि ऑस्टिन आगे चलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनेगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ऑस्टिन, जो कि बाहर से इतना कॉन्फिडेंट है, अंदर से उतना ही लोनली और लो फील करता है। ऑस्टिन की कहानी शुरू होती है जब वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। ऑस्टिन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो जब भी अपने बारे में कुछ बुरा फील करता था वो ड्रग्स का यूज करता था, जिस वजह से उसे लगता था कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। जैसे ही फर्स्ट ईयर का एंड होने वाला होता है, ऑस्टिन के जितने भी दोस्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि ऑस्टिन ज्यादातर टाइम ड्रग्स का यूज करता था और वो काफी हाई रहता था। हद तो तब हो जाती है जब ऑस्टिन का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। This is going to be the hardest thing I don't think anyone's ever gone through. How are your hands healing? They're feeling better. I'm getting used back to them. They're still a little shaky. अगर हम ऑस्टिन के गूगल सर्च को देखें तो वहाँ ऑस्टिन सर्च करता है कि क्या वो पागल है या उसे सोने की जरूरत है या वो कैसे अपने ऑब्सेसिव थॉट से डील करे, जो ये बताता था कि ऑस्टिन समझ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगस्त 15 की रात को जब ऑस्टिन अपने घर से निकलता है तो मानो ऑस्टिन में कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके थे जिसकी वजह से उसके अंदर अब बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची थी। जब जेफरी उस घर से भाग के अपने घर जाता है और वो पुलिस को कॉल करके बात ही कर रहा होता है, तब वो पुलिस को ये भी बताता है कि उसे पूरे टाइम ऑस्टिन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो ये बता रहा था कि ऑस्टिन ने ना सिर्फ मिशेल का मर्डर किया था बल्कि उसने उनके हस्बैंड को भी मार दिया था, जो अपने कुत्ते को घुमाने लेके गए थे इस इंसिडेंट के कुछ मिनट पहले। पुलिस वहां पर आती है तो पुलिस वहां पर दो डेड बॉडीज को देखती हैं जो एक दूसरे के बगल में रखी हुई थी और उन दोनों बॉडीज के बगल में ऑस्टिन लेटा हुआ था। और ऑस्टिन जैसे ही पुलिस को देखता है वो भागने की कोशिश नहीं करता है, वो वहीं पर शांति से लेटा रहता है और उसका हाथ जॉन के नेक पे होता है। उसने जॉन के गले को स्टार्टिंग में टाइट से पकड़ा हुआ था। जब पुलिस दूर से देखती है तो उन्हें लगता है कि शायद ऑस्टिन को रिग्रेट हो रहा है जो भी उसने किया है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। और जब वो पास जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऑस्टिन सिर्फ अपने हाथों के प्रेशर से जॉन के चीक का पोर्शन निकाल रहा था और उसे खा रहा था।
He became agitated and left. We now know from detectives that he walked 2 miles towards his father's house in the Mooring subdivision. Michelle Mishkin and John Stevens were in their garage when deputies say Harif, who did not know the couple, savagely attacked them. इस पॉइंट पर जाकर के जॉन का आधा चेहरा ऑस्टिन ब्रूटलाइज कर चुका था सिर्फ अपने हाथों से। इस पॉइंट तक पुलिस ये समझ जाती है कि ऑस्टिन ने सिर्फ अपने हाथों से जॉन का आधा चेहरा खा लिया था, जिसके बाद पुलिस कितना भी ट्राई करते हैं ऑस्टिन को जॉन की बॉडी से अलग करने का, पर वो नहीं कर पाते। सिचुएशन तो तब खराब हो जाती है जब ऑस्टिन पागलों की तरह जॉन के मीट को खाना चाहता था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सिर्फ उस टाइम पर उसका खाना ही सब कुछ था जो उसके लिए मैटर करता था। जब पुलिस ऑस्टिन को अलग नहीं कर पाते तो वो K9 डॉग को लेके आते हैं, जो काफी कोशिश करने के बाद ऑस्टिन को फाइनली उनके बॉडी से अलग कर पाता है। इसके बाद पुलिस वाले ऑस्टिन को इमिडिएटली अरेस्ट कर लेते हैं और उसे हैंडकफ्स पहना देते हैं, जिसके बाद ऑस्टिन अचानक से चिल्लाता है कि उन्हें उसकी मदद करनी होगी और शायद उसने ह्यूमन मीट खाया था। ऑस्टिन जब अपने ड्रग के इन्फ्लुएंस से बाहर आता है तो पुलिस उसे जेल लेकर चली जाती है। अगर हम ऑस्टिन के चाइल्डहुड के फेस को देखें तो वो काफी ज्यादा हार्श रहा था। ऑस्टिन के पेरेंट्स का डिवोर्स सिर्फ तब हो जाता है जब वो 13 साल का होता है और उसे अपनी छोटी बहन के साथ ही ज्यादातर टाइम बिताना पड़ता था। उसके पेरेंट्स का रिलेशन काफी ज्यादा अग्रेसिव था और उसकी माँ को ज्यादा परवाह नहीं थी इन चीजों के बारे में। तो जब ऑस्टिन अपने ट्रॉमेटिक फेज में था तो उसके पास इस टाइम पर कोई भी नहीं था बात करने के लिए, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा लोनली था और वो कई बार एक्सपेरिमेंट करता था अपने ऊपर, जहां वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था और वो तब तक अल्कोहल कंज्यूम करता था जब तक उसे नींद ना आ जाए। इस टाइप की लाइफस्टाइल ही ऑस्टिन को आगे चलकर ऐसा बनाने वाली थी जो उससे इतना ब्रूटल इंसिडेंट करवाने वाली थी। जब डॉक्टर्स उसकी कस्टडी लेते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ऑस्टिन ने एक्चुअली में काफी ज्यादा ड्रग्स का इन्फ्लुएंस किया हुआ था, जिस वजह से वो कोमा में था 11 दिन से, और डॉक्टरों को ये लगता था कि उस ड्रग्स का ही इतना ज्यादा ओवरडोज ऑस्टिन से इस इंसिडेंट को करवाता है। ऑस्टिन ने ना सिर्फ इस कपल का मर्डर किया था बल्कि उसने उनके गैराज से एक टॉक्सिक लिक्विड का भी कंजम्पशन किया था, जिस वजह से उसे जेल ले जाने से पहले हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पर सबसे अजीब बात यह थी कि ऑस्टिन की बॉडी में उस टाइम पर बहुत ही थोड़े अमाउंट में ड्रग्स मिला था, और क्योंकि ऑस्टिन इतने टाइम से ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहा था तो उसकी बॉडी वैसे भी उसके इन्फ्लुएंस में रहती थी। उसकी बॉडी में इस टाइम पर मैरुआना बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिलता है, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब वो जॉन का फेस खा रहा था वो ऑलमोस्ट सोबर था। पर ऑस्टिन के अकॉर्डिंग मिशेल और जॉन एक विच में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और क्योंकि उसे उन दोनों से बचना था उसने ये सेम एक्सप्लेनेशन उस टाइम पर साइकेट्रिस्ट को भी दिया था, जो उसका ये सारा इंसिडेंट करने का रीजन था। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम पर जॉन का दिमाग इतना ज्यादा अफेक्ट हो चुका था ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कि उसे रियलिटी और ड्रीम्स में कोई फर्क ही नहीं पता था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे रिग्रेट है जो भी उसने किया, तो ऑस्टिन रोने लगता है और वो कहता है कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है और वो उसके लिए सॉरी भी कहता है। ऑस्टिन की माँ के अकॉर्डिंग ऑस्टिन जिस रात को ये सब करता है वो उसे देखती है कि वो उनके घर में आता है और वो कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन करता है पामेजियन चीज के साथ, जो कि काफी अनयूजुअल बेवरेज है। इस टाइम पर वो समझ जाती हैं कि उनके बेटे ने कई सारे इलीगल सब्सटेंस को मिक्स किया है, जिस वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहा है। इसके बाद ऑस्टिन निकल जाता है अपने क्राइम को कमिट करने, जो आगे चलकर पूरे नेशन को शॉक देने वाला था। उसके इंसिडेंट को करने के बाद वो अभी स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में है, और अटॉर्नी के अकॉर्डिंग वो शायद आगे चलकर कभी भी रिलीज नहीं हो पाएगा,
अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि ऑस्टिन के अंदर आगे चलकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का पोटेंशियल था, पर उसके इस इंसिडेंट की वजह से उसने अपनी लाइफ कम्प्लीटली टर्न कर ली और एक क्रिमिनल बन गया। स्टेट अपॉइंटेड साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग, जिनका नाम था हेरोव, उन्होंने बताया कि ऑस्टिन अपने एक्सप्लेनेशन में ये बताता है कि उसे डिमोनिक हेलुसिनेशंस फील हो रहे थे, जिस वजह से उसे लगता था कि वो भगवान है और बाकी के सारे लोग हाफ डॉग और हाफ मैन है। ऑस्टिन को ये सारा इंसिडेंट करना पड़ा। ऑस्टिन अपने एक्सप्लेनेशन में ये भी क्लेम करता है कि इस इंसिडेंट को करने के कुछ टाइम पहले उसे कई सारे स्पिरिचुअल थॉट्स आए थे, जिसमें ज्यादातर थॉट में वो गॉड का रोल प्ले कर रहा था और बाकी दुनिया डिमोनिक हो चुकी थी। ऑस्टिन अपने एक्सप्लेनेशन में ये भी बताता है कि इस इंसिडेंट को करने के कुछ टाइम पहले उसे कई सारे स्पिरिचुअल थॉट्स आए थे, जिस वजह से उसे अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील हो रहा था और उसे अंदर से कुछ ऐसा पुश कर रहा था कि उस रात को वो कुछ ऐसा इंसिडेंट परफॉर्म करे। उसके अकॉर्डिंग वो जीजस बन चुका था और बाकी सारी दुनिया डिमोनिक हो चुकी थी। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑस्टिन इतने टाइम से इतने वैरायटी ऑफ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, जिस वजह से उस कपल पे उस रात वो इंसिडेंट वो परफॉर्म करता है। अभी ऑस्टिन का नॉन ज्यूरी ट्रायल चल रहा था, पर इस साल के नवंबर में ऑस्टिन का ट्रायल शुरू होगा, जो कि उस इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 7 साल बाद है। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस।